नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल और आप देख रहे हैं दी पब्लिक न्यूज। जैसे कि आज के हमारे ओपिनियन पोल में विशेष रूप से पंजाब का जो आंतरिक सर्वे है, जैसे कि पंजाब के जो है 10 मार्च को लास्ट चरण के मतदान होने वाले हैं, ऐसे में लेकर पंजाब के ओपिनियन पोल क्या है पूरी रिपोर्ट आपको मिलेगी और यहाँ पर ओपिनियन पोल की डिटेल भी मैं दूंगा। पार्टियाँ दावा कर रही है कि राज्य में अगली सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी, यहाँ पर इस बात को लेकर आशंका जारी की जा रही है। पंजाब में त्रिशूंक सदन होगा, संभावना है कि आपके जीते हुए उम्मीदवार को लेकर कुछ बड़ा तांडव हो सकता है। वहीं पर 10 मार्च को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रतिद्वंदी द्वारा विधायकों की खरीद प्रकोष्ठ के डर से कांग्रेस और आप द्वारा अपने निर्वाचित विधायकों के पंजाब से बाहर स्थानांतरित करने की संभावना है। जी हां, 10 मार्च को यहां पर चुनावी जो है रिजल्ट आने वाला है और इस मतदान में आपको मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस को आंतरिक सर्वे में 50 सीटें, एससीडी को 35 सीटों की उम्मीद यहाँ पर बनाई गई है और इस बार पंजाब के अंदर गठबंधन सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है। और दिल्ली से डटे सुखबीर बादल, आप देख सकते हैं कि अकाली दल गठबंधन सरकार को लेकर भाजपा से संपर्क कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने एक योजना बनाई है ताकि नवनिर्वाचित विधायकों को अन्य राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार न किया जाए। संभावना है कि आपके जीते हुए विधायकों को दिल्ली ले जाया जा सकता है। इसी बीच श्रोमणी अकाली दल के सूत्रों ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में है, यानी विधायक को लेकर दल बदल का सिलसिला भी चल सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी के एक नेता ने कहा कि आंतरिक सर्वेक्षणों के अनुसार पार्टी के पंजाब में लगभग 50 सीटें मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अन्य पार्टी भी लगभग दावा कर रही है। एसएडी बीएसपी को लगभग 35 सीटें मिल सकती है। आप राज्य में पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है और आम आदमी पार्टी काफ़ी आगे भी चल रही है, लेकिन हमारा यही मानना है कि पंजाब के अंदर गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, यानी आम आदमी पार्टी और एसएडी गठबंधन को यहाँ पर अच्छा मौका मिल सकता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़िएगा दी पब्लिक न्यूज चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।